नमस्कार प्यारे साथियों, आपके पास ये जो मैट्रिक्स से रिलेटेड एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके बेस पे नीचे चार ऑप्शन दिए गए, तो कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल साथियों, सबसे पहले आप सबसे पहली लाइन को यहाँ पे चेकआउट कीजिए। जैसे पहले बॉक्स में आपके पास 12 और तीसरे बॉक्स में आपके पास 28, अगर इन दोनों नंबर को हम यहाँ पे ऐड करें, प्लस करें, तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 40। और 40 को अगर हम सिंपली 2 से डिवाइड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 20 नंबर, जो इन दोनों संख्याओं के बीच में लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से सबसे नीचे आप चेकआउट कीजिए, 31 और 11, अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 42 नंबर। और 42 को सिंपली 2 से अगर हम डिवाइड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 21, जो इन दोनों संख्याओं के बीच में लिखे हुए। इसका मतलब साथियों, आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है। इस मैट्रिक्स में साथियों, पहले बॉक्स के नंबर और तीसरे बॉक्स के नंबर को ऐड करने के बाद अगर हम 2 से डिवाइड करें तो बीच में जो हमें नंबर दिए गए ये हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपसे जो पूछा गया इसमें आप चेकआउट कीजिए। आपके पास साथियों यहाँ पे पहले बॉक्स में नंबर है 21, कितने नंबर को ऐड करें, जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त होने चाहिए? 19 नंबर। तो कितने नंबर यहाँ पे? 17। 21 और 17 हमारे पास यहाँ पे 38। 38 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 19, जो यहाँ पे बीच में लिखे हुए। इसका मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितने नंबर हमें प्राप्त होंगे? 17, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर। उम्मीद करते हैं अब आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है।